पूरे ग्रह में मनुष्य एक दिन में औसतन 1 से 2.7 किलोग्राम भोजन खाते हैं। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति हर वर्ष 365 किलोग्राम से अधिक भोजन खाता है और जीवन काल के दौरान 28,800 किलोग्राम से अधिक खाता है और हर अंतिम टुकड़ा पाचन तंत्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। 9 मीटर तक फैले 10 अंगों से मिलकर बना और 20 से अधिक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से युक्त यह मानव शरीर में सबसे विविध और जटिल प्रणालियों में से एक है। इसके हिस्से लगातार एक ही विलक्षण कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, अपने भोजन की कच्ची सामग्री को पोषक तत्वों और ऊर्जा में बदलना, जो आपको जीवित रखता है। आपके धड़ की पूरी लंबाई में फैले पाचन तंत्र में 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ है, एक घुमावदार चैनल जो आपके भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इसका आंतरिक सतह क्षेत्र 30 से 40 वर्ग मीटर के बीच होता है, जो आधा बैडमिंटन कोर्ट कवर करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लिवर, अंगों की वो तिकड़ी है जो विशेष रसों का उपयोग करके भोजन को तोड़ते हैं। तीसरा शरीर के एंजाइम, हार्मोन, नसें और रक्त, ये सभी भोजन को तोड़ने, पाचन क्रिया को व्यवस्थित करने और इसको मिलकर अंतिम रूप देने का काम करते हैं। अंत में मेसेंट्री, जो आंत के अंगों को घेरता है, वो ऊतक का एक बड़ा हिस्सा है जो आपके सभी पाचन अंगों को पेट में समर्थन और स्थिति देता है और उन्हें अपना काम करने में सक्षम बनाता है। पाचन क्रिया भोजन के जीभ पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाती है। एक स्वादिष्ट निवाले की आशा करते हुए आपके मुंह के ग्लैंड लार छोड़ना शुरू कर देते हैं। हम प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर इस तरल का उत्पादन करते हैं। एक बार जब भोजन मुंह में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद चबाना और मुंह के अंदर की लार साथ मिलकर भोजन को एक गीली गांठ में बदल देते हैं, जिसे बोलस कहा जाता है। लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ देते हैं। फिर आपका भोजन खुद को ईसोफेगस नामक 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब के रिम में पाता है, जो पेट तक पहुंचने के लिए नीचे तक जाती है। ईसोफेजियल टिश्यू के आसपास की नसें बोलस की उपस्थिति को महसूस करती हैं और पेरिस्टाल्सिस को ट्रिगर करती हैं, जो परिभाषित मांसपेशियों के संकुचन की एक श्रृंखला है। ये भोजन को पेट में धकेलता है, जहां ये पेट की शक्तिपूर्ण दीवारों की दया पर छोड़ दिया जाता है, जो बोलस को बांधता है और उसे टुकड़ों में तोड़ता है। अस्तर में कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए हार्मोन पेट की दीवार से एसिड और एंजाइम युक्त रसों की रिहाई को ट्रिगर करते हैं, जो भोजन को घोलना शुरू करते हैं और उसका प्रोटीन तोड़ते हैं। ये हार्मोन पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर को पाचन रस बनाने और पित्त को स्थानांतरित करने के लिए भी सचेत करते हैं, एक पीला हरा तरल जो अगले चरण की तैयारी में वसा को पचाता है। पेट के अंदर 3 घंटे के बाद जो शुरू में आकार में बोलस था, वो अब एक झागदार तरल बन गया होता है, जिसे काइम कहा जाता है, और वो एक छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिवर उसके बाद पित्त को गॉल ब्लैडर में भेजता है, जो उसे डुओडेनम नामक छोटी आंत के पहले भाग में बहा देता है। यहाँ ये काइम के घोल में तैरने वाले वसा को घोलता है, ताकि उन्हें आसानी से पैनक्रियाटिक और आंतों के रस द्वारा पचाया जा सके। ये एंजाइम युक्त रस वसा के अणुओं को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, ताकि वे शरीर में आसानी से समा जाएं। एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में अंतिम रूप से परिवर्तित करते हैं। ये छोटी आंत के निचले हिस्से जेजुनम और इलियम में होता है, जो लाखों छोटे कोशिकाओं में लिपटे होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। ये रक्त प्रवाह में अणु अवशोषण और संक्रमण को अधिकतम करने के लिए एक विशाल सतह क्षेत्र बनाते हैं। रक्त उनके शरीर के अंगों और ऊतकों को खिलाने के लिए अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ले जाता है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पाचन के दौरान बचे हुए फाइबर, पानी और मृत कोशिकाएं बड़ी आंत में चली जाती हैं, जिसे कोलन भी कहा जाता है। आंतों की दीवार के माध्यम से शरीर शेष तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। इसके बाद जो बचता है वो एक नरम ढेर है, जिसे मल कहा जाता है। कोलन इस उप उत्पाद को मलाशय नामक एक थैली में निचोड़ता है, जहां तंत्रिकाएं इसे विस्तारित करती हैं और शरीर को बताती हैं कि कचरे को बाहर निकालने का समय कब है। गुदा के माध्यम से पाचन के उप उत्पाद बाहर निकलते हैं और भोजन की लंबी यात्रा आमतौर पर 30 से 40 घंटों के मध्य चलती हुई आखिरकार पूरी हो जाती है। सीखते रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिज्ञासु बने रहें।